प्रश्नावली 1.3 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे पहले का पहले सवाल 36/100 ये कितना है 0.6, तो इसका दशमलव रूप किस प्रकार का है 7, जिसके दशमलव के बाद पूर्ण भाग हो जाती है। ग्यारह से एक को भाग करेगा, जीरो जीरो लगा, एक जीरो लगा, ग्यारह ने 99 एक बचा, फिर पॉइंट लगा, जीरो लगा लिया, ठीक है। अभी भी समय एक जीरो लगा गया और एक जीरो लगा, ग्यारह ने 99 एक बचा, समय लगा एक जीरो लगा लिया, फिर एक जीरो लगा के एक जीरो लगाया, ग्यारह ने, और ऐसे ही ये चलता जाए। ये कैसा हुआ 0.09 09 09 09 और आता जाएगा। इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है 0.09 बार, इस बार जिस पर नंबर पर हमने लगा दिया तो समझ जाओ यही जो जितने पे बार लगाए ये बार बार आए। ये कैसा दशमलव रूप है 1/11 का मान है 0.09 बार, ये है आसान। आवर्ती क्यों कहा है, क्योंकि इसमें एक अंक या अंकों का समूह बार बार आ रहा है, आसान आवर्ती। बाकी आप कुछ कर लेंगे। दूसरा सवाल 1/7 और कह रहे हैं 0.142857 बात करते हैं। लंबी भाग दिए बिना आपको बताना है 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो जब आप 7 से 1 को भाग करते हो, सबके देखते पॉइंट लगाओ, 0 7 3 3 4 0 7 4 2/0 7 6/0 7 8 56 5/0 7 5 49 1/0 7 9 फिर ये एक आ गए, यानी हम फिर से यहाँ पहुंच गए। जब हमारे पास घटाने के बाद एक आ रहा है और एक के बाद हम यहाँ जीरो लगा रहे हैं तो फिर 7 3 0 7 4 28, फिर यही संख्या बार बार आनी शुरू हो गई। अगर यहाँ पे 7 की जगह 2/7 होता तो हम यहाँ 2 से भाग करते, ठीक है, तो फिर जो संख्या आती, ये कह रहे हैं लेकिन भाग नहीं करनी है, भाग नहीं करनी। जब भाग नहीं करनी है तो फिर हमें निकालना है 2/7, 2/7 दिखेगा 2×1/7 2×1/7 का मान कितना है, इसी 2 से गुणा करते हैं, 7 × 14 5 × 10 = 11 8 × 16 = 17 2 × 3 = 4 = 5 4 × 8 और 2 × 1 = 2, ये 2/7 है और बार इस पर लगेगा, यानी ये बार बार ये पूरा फिर से 2 8 5 7। आप चाहो तो भाग करके देखो, ऐसे जब 3/7 निकालोगे तो उसे 3×1/7 लिखोगे तो 3×0.142857, सेम प्रक्रिया गुणा कर लोगे और बार लगा दोगे जितने अंक हो उतने अंक, कोई दिक्कत बाकी सारे पार्ट में। इसके बाद है तीसरा सवाल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कह रहा है 0.6 बार को V/Q के रूप में लिखो। देखिए उसको लिखने की क्या प्रक्रिया है, जब ये जो लगा है ना 6 पे बार लगा, इसका मतलब क्या 0.666 आ रहा होगा,
का मतलब है कि ये छह छह से आते रहे, कितनी बार आएगा ये किसी को लिखते रहो। तो हम इसे मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6, ठीक है, क्लियर है बात, क्योंकि 0.6 बार का मतलब है 0.6666 और ये आएगा, इसलिए मैंने x को मान लिया 0.6। इसको करने का तरीका ये है कि हम इसमें दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं। ए रखिए बाहर क्यों देख रहे हो, खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारा, मुंह पे हाथ किताब रख के बाहर क्यों देख रहे हो, क्या क्या चीज है बाहर, इधर खड़े हो जाओ, खड़े होकर देखो, दोनों ओर 10 से गुणा करते हैं, जब दोनों को 10 से गुणा करेंगे, इधर भी 10 से गुणा करेंगे और इधर भी 10 से गुणा करेंगे, 10 से ही क्यों नहीं, 100 से क्यों नहीं करी, 200 से क्यों नहीं करी, 5 से क्यों नहीं करी, क्योंकि यहां पर दशमलव के बाद से पुनरावृत्ति शुरू हो रही। अब एक और हमें समीकरण चाहिए जिसमें दशमलव के बाद से पुनरावृत्ति हो, तो दशमलव को अगर यहां पहुंचा दिया जाए तो पुनरावृत्ति फिर दशमलव के बाद से शुरू हो जाएगी। ये दशमलव यहां कैसे पहुंचेगा, जब इसकी हम 10 से गुणा करेंगे, इसलिए हमने दोनों को 10 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास समीकरण आ गया 10x बराबर 6.666, ये दशमलव एक स्थान आ गया है, कोई दिक्कत, क्योंकि जब गुणा करते हैं तो दशमलव एक स्थान आ गया या था। ये तो आप पढ़ के आए होंगे, कितने बच्चों को नहीं मालूम ये बात, कितने बच्चों को मालूम है ये बात, चलो जिनको नहीं पता तो याद रख लो कि जब 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव एक स्थान आगे आ जाता है। जैसे 3.45 की गुणा 10 से करोगे तो ये 34.5 आ जाएगा, 3.456 की गुणा 100 से करोगे तो दशमलव दो स्थान आगे आ जाएगा। जितने जीरो होते हैं दशमलव उतने स्थान सीधे हाथ की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, तो ये 10 से गुणा करना दशमलव एक स्थान आ गया। इसके नीचे ये लिख लो एक्स कितना था, अब इन्हें घटाने पे क्या होगा, 10 में से 9 एक गया कितना बचा, और ये दशमलव के आगे वाले सारे जीरो हो गए, 6 में से 0 गए। अब समझ पाया हमने दो समीकरण क्यों ऐसी ली थी जिसमें दशमलव के बाद जो है एक समान रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि जब घटाएंगे तो सब जीरो हो गया। अब ये आ गया एक्स बराबर, ये गुणा कर रहा है इधर जाकर भाग करेगा, ये नियम होता है समीकरण का, जो जुड़ रहा है वो घटता है, घटता है वो जुड़ता है, गुणा करता है वो भाग। तो 3 × 6 और 3 दिया एक्स बराबर 2/3 और एक्स का मान कितना है 0.6, एक्स तो इसी को माना था, 0.666 क्या था, 0.6 बार हमारा सवाल ही था, इसी को तो 0.6 को हमने एक्स मान लिया था, ये हमारा 0.6 जो है 2/3, यानी हमने इसे p/q के रूप में बदल दिया। अब मान लीजिए सवाल कुछ इस तरह का होता, सेकंड पॉइंट 0.4 और केवल 7 पे बार लगा, पूरे पे नहीं लगा, को p/q के रूप में, तो फिर हम इसे x मान लेते हैं और इसमें बार लगा होने का मतलब क्या है, केवल 7 रुपये, ठीक है, सीधे बैठा हुए हाथ मेज पे रख के उसका मुंह रख लिया, फिर समझते हैं कमर सीधी सामने देखो, अब दोनों ओर फिर से 10 से गुणा करो, क्योंकि दशमलव अगर यहां आ जाएगा तो दशमलव के एक स्थान के बाद से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। किसी भी समीकरण को दोनों तरफ हम किसी भी एक अंक से गुणा कर सकते हैं, ये अधिकार हमारे पास। अब एक समीकरण तो आ गई जिसमें दशमलव के बाद से आ रहा है, एक और तो है ही नहीं, कैसे आएगी, इसे फिर से 10 से गुणा कर,
ठीक है उन्हें जब पुनः गुणा करोगे तो 10 × 10 है अब ये 100x के नीचे ये वाले 10x लिख लो कितना था ये 4.777 हमेशा उन दो समीकरणों को घटाते हैं जिसमें दशमलव के बाद से एक अंक की पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाए या आपके समूह की पुनरावृत्ति घटा लीजिए कितना आ गया कितना था यही आपको चौथा सवाल देखते हैं एक पार्ट इसका खुद करोगे आप ठीक है तीसरा बार चौथे सवाल में कह रहे हैं 0.99999 पी बटा क्यू के रूप में ठीक है तो मान लेते हैं इसे किससे गुणा करेंगे दोनों अभी तक किससे गुणा करते हैं 10 से करेंगे तो आप किससे करनी चाहिए 10 से करनी चाहिए तो दोनों ओर 10 से गुणा कर लेंगे 10x बराबर 10 × 0.999 और इसके नीचे क्या आएगा 0.999 क्या करेंगे इसके बाद डालने पर माइनस माइनस ये कितना आता है 9 और ये आ जाए 9.9 तो एक्स का मान कितना आ जाए 9/9 एक्स बराबर 1 यानी 0.999 क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं हाँ भाई हम थोड़े आश्चर्यचकित हैं कि 0.999 जो है वो एक कैसे आ गया अपने अपने अध्यापकों कक्षा सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा की वो सार्थकता ऐसे हो सकती है कि राउंड ऑफ अगर इसे करें तो अगर दशमलव के आगे की संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है तो उससे पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो अगर 9 यहाँ से हटाओ तो इसमें 1 जोड़ोगे तो 9 और 1 = 10 1.0 हो जाएगा तो राउंड ऑफ में लगभग ये 9 के बराबर आ रहा है ठीक है छठा सवाल पी बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए अपने आप लीजिए 2/5 7/12 3/25 2/8 ये उदाहरण हमने ले लिए और भी बहुत सारे उदाहरण ये भी हो सकता है एक सवाल हमने करा 46/100 या 53/100 बहुत सारे परिमेय संख्याएं हो सकती हैं जिनमें पी और क्यू का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है मतलब कोई संख्या दोनों अंश वाले को नहीं काट रही सवाल अगर जैसे यहाँ मैं अगर लिखता 2/4 तो 2/2 × 2 दोनों में उभयनिष्ठ कौन हो जाता 2 हो जाता ऐसे उभयनिष्ठ गुणनखंड की स्थिति इसमें नहीं है और जिसका शांत निरूपण है शांत मतलब दशमलव की पूर्ण भाग तो वो इसमें आ जाएगी इसमें आ जाएगी इसमें आ जाएगी इसमें आ जाएगी और इसमें आ जाएगी इसे हटा देते हैं ये संख्याएं हैं जिनमें जिनका जिनका रूप शांत है ठीक है तो Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं तो आप देख रहे हैं जिनका दशमलव रूप शांत है इन सब संख्याओं का शांत होगा निकाल के देखिए तो इनका जो बटे में लिखा है पी बटे क्यू में हर जो है सबके हर में या तो केवल 5 आ रहा होगा या केवल गुणनखंड 2 आ रहे होंगे या गुणनखंड 2 और 5 दोनों आ रहे उसके अतिरिक्त अगर वो गुणनखंड होगा जैसे इसके बटे में 11 आ गया तो ये शांत नहीं आया इसके बटे में 7 आ गया तो ये शांत नहीं आया लेकिन बटे में अगर इसके 8 आता है 1/8 8 से 1 को भाग करके देखो 0.08 = 8 2 बचा
आठ दूनी 16, 4, 5, 0, 8 बजे क्यों? क्योंकि इसके गुणनफल 2 × 2 × 2 होते, यानी जो बटे में हर है या क्यू जिसे कह सकते हैं पी बटा क्यू में, ऊपर वाले अंश को पी और हर को क्यू कहें, तो क्यू जो है उसके गुणनखंडों में या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। अगर उसके अतिरिक्त कुछ और है तो उसका दशमलव रूप कभी भी शांत नहीं होगा, घर के आप ठीक है। तो क्यू के गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में होंगे, यानी 2 की कुछ घात m का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 की घात 2, 2 की घात 3, n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब कुल मिला के जो बटे में आएगा वो 2 की घात और 5 की घात के रूप में ही उसके गुणनखंड आएंगे, उसके अलावा कोई और रूप में नहीं। ऐसी 3 संख्या लिखो जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी का मतलब भी यही होता है क्या, आसान ठीक है, अनवसानी का मतलब भी आसान। तो अनवसानी जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती भी हो और अनवसानी भी हो। तो 7वां सवाल, ऐसे जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 ठीक है, और पाई भी एक ऐसी संख्या है, इसको अलग से नोट कर लेना कि पाई भी अपरिमेय संख्या होती है, नोट करिए इतना सवाल। अभी नवे सवाल में कह रहा है कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो वर्गमूल 23 आप देख रहे हैं कि इसका दशमलव रूप अनवसानी अनावर्ती आएगा, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। 225 वर्गमूल में दे रखा है, इसके टुकड़े करोगे तो 15 × 15 आएंगे और 15 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, वर्गमूल हट गया, कैसी संख्या हो गई, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय हो गई, तो ये वाली अपरिमेय नहीं है सेकंड वाली। तीसरी वाली परिमेय है क्योंकि इसका दशमलव रूप जो है वो 7 दशमलव रूप है। चौथी में 4, 7, 8, 4, 7, 8 यानी एक समूह बार बार आ रहा है, तो ये भी परिमेय होगी, वेरी गुड। और पांचवी वाली 1, 0, 1, 0, 0 ये अपरिमेय, तो आपकी पहली अपरिमेय है और पांचवी अपरिमेय है और बाकी की 3 जो है वो परिमेय है ठीक है। ये एक्सरसाइज खत्म, इसके बाद के सवाल जो 1 या 2 सवाल बचे हैं वो आप अलग अलग स्वयं करेंगे, कर लीजिए।